ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के लेक्चर सीरीज में आज हम बात करेंगे चैप्टर 3 ऑफ दिस एक्ट, जो कि सेल से रिलेटेड प्रोविजंस को होल्ड करता है। देखो, जब हम वेरियस मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं तो जनरली 6 मोड्स हैं प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने के लिए। देर आर 6 मोड्स ऑफ ट्रांसफरिंग द प्रॉपर्टी। कौन कौन से हैं? सेल है, मॉर्गेज है, लीज है, गिफ्ट है, एक्सचेंज है और एक्शनेबल क्लेम। दीज आर व्हाट, ये हैं मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। तो आज के इस वीडियो में हम सेल मोड ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो चैप्टर है आपका, चैप्टर 3, इट कंटेन्स सेक्शन 54, 55, 56 एंड 57। अगर हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो केवल 2 सेक्शंस इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट हैं, सेक्शन 54 और 55, और हम इन्हीं दोनों सेक्शंस को पढ़ेंगे। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्शन 54, जो कि सेल को डिफाइन करता है। कैसे डिफाइन करता है? ये कहता है सेल मींस ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। सेल का मतलब क्या है? ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप है। आगे कहता है इन एक्सचेंज फॉर, किसके एक्सचेंज में? प्राइस पेड और प्रॉमिस्ड टू बी पेड, पार्टली पेड और पार्टली प्रॉमिस्ड। यानी सेल का मतलब है ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, ओनरशिप का ट्रांसफर होना, इन रेस्पेक्ट ऑफ कंसिडरेशन। और कंसिडरेशन किस फॉर्म में होना चाहिए? मनी के फॉर्म में होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड सेल। नाउ डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अग्रीमेंट फॉर सेल, जो पार्टीज हैं जिसमें से जो बायर है, या तो वो प्राइस को पहले पे कर दे या प्रॉमिस कर सकता है कि वो इन फ्यूचर पेमेंट करेगा, या कुछ पैसे इंस्टॉलमेंट में पे कर दे और कुछ पैसे वो फ्यूचर में पे करे। तो इट डिपेंड्स अपॉन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज। व्हाट इज सेल? सेल मींस ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप अगेंस्ट प्राइस पेड। क्लियर? ओके। अब देखो, एक ग्राफ से हम सेल को और भी सिंप्लीफाइड मैनर में समझते हैं। इन सेल 2 पार्टीज आर इन्वॉल्व्ड। सेल में 2 पार्टीज इन्वॉल्व होते हैं, एक बायर और दूसरा सेलर, और इसलिए हम सेल को 2-वे ट्रांजैक्शन या 2-वे प्रोसेस भी कहते हैं। ठीक है, अब देखो, कह रहा देखो, सेलर ट्रांसफरिंग प्रॉपर्टी टू अनदर पर्सन। सेल में क्या होता है? सेल में जो सेलर होता है वो क्या करता है? अपने प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करता है, और जब वो प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करता है तो प्रॉपर्टी का पोजीशन और साथ साथ ओनरशिप ट्रांसफर करता है किसको? दूसरे पर्सन को, जिसे हम कहते हैं बायर, हु इज गोइंग टू परचेज द प्रॉपर्टी। राइट? अब कह रहे हैं बायर इन रिटर्न क्या करता है? पेज प्राइस, दैट इज मनी, दिस इज कॉल्ड सेल। अब देखो, कह रहा सेलर इन एक्सचेंज ऑफ प्राइस, प्राइस के एक्सचेंज में वो क्या करता है? ओनरशिप ट्रांसफर करता है और दूसरा पोजीशन ट्रांसफर करता है प्रॉपर्टी का। इट मींस व्हाट? इसका मतलब हम ये कह सकते हैं सेल अग्रीमेंट में जो सेलर होता है वो प्रॉपर्टी के पोजीशन को ट्रांसफर करता है, प्रॉपर्टी के ओनरशिप को ट्रांसफर करता है। इट मींस वो अपने एब्सोल्यूट राइट रिगार्डिंग प्रॉपर्टी को भी क्या करता है? ट्रांसफर करता है बायर को। यानी ही ऑल्सो ट्रांसफर 4 राइट्स रिगार्डिंग प्रॉपर्टी।
जो ओनरशिप के साथ साथ ट्रांसफर होता है, पहला राइट ऑफ एंजॉयमेंट, दूसरा राइट टू एक्सक्लूड अदर्स, और तीसरा राइट टू डिस्पोज ऑफ, और चौथा राइट टू डिस्ट्रॉय। ये सभी राइट्स किसको चले जाते हैं? बायर को चले जाते हैं। ठीक है, अब देखो सेक्शन 54 कहता है सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अगर हम मूवेबल प्रॉपर्टी के सेल के बारे में बात करें तो वो सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के प्रोविजन के तहत गवर्न होगा। लेकिन जब हम सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे तो वो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के चैप्टर 3 सेक्शन 54, 55, 56, 57 के तहत गवर्न होगा। क्लियर? ओके, तो ये है पूरा आपका सेल। अब देखो इन सेल हम जानते हैं कि देयर इज द इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू पार्टीज, दो पार्टीज का इन्वॉल्वमेंट होगा, एक बायर और दूसरा सेलर। हु कैन बी कॉल्ड एज बायर, हम बायर किसे कह सकते हैं? देखो बायर मीन्स वो पर्सन जो रेडी है प्रॉपर्टी के ओनरशिप को लेने के लिए, प्रॉपर्टी के पोजीशन को लेने के लिए, इन रेस्पेक्ट ऑफ व्हाट, इन रेस्पेक्ट ऑफ मनी, मनी के रेस्पेक्ट में, यानी बायर इज रेडी टू पे द प्राइस फॉर द प्रॉपर्टी। सेलर कौन है? सेलर मींस पर्सन हु सेल्स हिज प्रॉपर्टी। अब देखो अगर सेल है तो जो सेलर है वो उसी प्रॉपर्टी को सेल कर सकता है जिस प्रॉपर्टी का वो ओनर हो, यानी ही मस्ट पोजेस बेटर टाइटल रिगार्डिंग प्रॉपर्टी। अगर वो प्रॉपर्टी का ओनर नहीं है तो वो प्रॉपर्टी को सेल नहीं कर सकता है। क्लियर? ओके, अब तो यानी हम ये कह सकते हैं सेल को डिफाइन करते हुए हम ये कह सकते हैं कि इन सेल, सेल में ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी बीइंग मेड, यानी प्रॉपर्टी का जो ट्रांसफर होता है वो इन एक्सचेंज ऑफ प्राइस होता है, यानी इन एक्सचेंज ऑफ मनी होता है। ठीक है, ओके, अब देखो सब्जेक्ट मैटर ऑफ सेल कह रहे ओनली दोज इमूवेबल प्रॉपर्टी, क्योंकि यहां पे स्पेसिफिकली बता दिया गया है सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो अगर हम मूवेबल प्रॉपर्टी के सेल के बारे में बात कर रहे हैं तो वो गवर्न होगा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के तहत। ठीक है, ओके, तो कह रहा है ओनली दोज इमूवेबल प्रॉपर्टी कैन बी ट्रांसफर्ड थ्रू सेल, सेल के थ्रू, विच आर ट्रांसफरेबल इन नेचर, जो कि क्या है, ट्रांसफरेबल इन नेचर है। ये कहता है कि केवल वही इमूवेबल प्रॉपर्टी सेल के माध्यम से ट्रांसफर किए जा सकते हैं जो ट्रांसफरेबल इन नेचर हैं इस एक्ट के प्रोविजन सेक्शन 6 के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, सेक्शन 6 में हमने बात किया था व्हाट मे बी ट्रांसफर्ड, अगर आपको याद हो, और उसमें हमने इस पर्टिकुलर सेक्शन को एकदम सिंप्लीफाइड मैनर में विद नोट्स, एग्जांपल्स, केस लॉज समझा था। तो यहां पे कह रहा है कि केवल वही प्रॉपर्टी, वही इमूवेबल प्रॉपर्टी सेल के माध्यम से ट्रांसफर किए जाएंगे जो कि ट्रांसफरेबल इन नेचर है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस गिवन अंडर सेक्शन 6 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। क्लियर? चलिए अब देखो अभी कह रहा है पार्टीज एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। अब आगे कह रहा है कि जो दो पार्टीज हैं जो सेल के अग्रीमेंट के थ्रू आपस में कॉन्ट्रैक्ट किए हैं, पार्टीज मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। अब अगर हमें कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज के बारे में पता करना है कि कौन पर्सन्स कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हैं, तो वी विल सी सेक्शन 11 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। जब आप ऐसे डिफाइन करोगे ना, जैसे जब आप लिखोगे इन सेल ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी बीइंग मेड इन एक्सचेंज ऑफ प्राइस पेड, तो इसे हाईलाइट कर देना एग्जाम, ताकि एग्जामिनर का जो फोकस है वो इन पॉइंट्स पे जाए और एक अच्छा इंप्रेशन आपका वहां पे क्रिएट हो, जो ऑब्वियसली आपके मार्क्स बढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो कह रहे हैं अगर हमें
कॉम्पिटेंट पार्टीज के बारे में बात करना है तो हमें सेक्शन 11 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 को देखना होगा। और वहां पे कहता है केवल वही पर्सन्स कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हैं जो कि क्या है, पहला मेजर है यानी अबव 18 ईयर्स ऑफ एज, साउंड माइंड के हैं, और आगे कहता है मस्ट नॉट बी डिसक्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय एनी लॉ, यानी किसी कोर्ट ने किसी लॉ ने अगर किसी पर्सन को कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए डिसक्वालिफाइड कर दिया है तो वो पर्सन भी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। क्लियर, आई होप यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम बात करते हैं मोड ऑफ ट्रांसफर यानी सेल हाउ मेड, सेल कैसे होगा, किस तरह से होगा, किस मोड में होगा। सेल हाउ मेड, सेल हाउ मेड। अब देखो इसमें दो तरह के इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में बात किया गया है, एक टेंजिबल इमूवेबल प्रॉपर्टी और दूसरा इनटेंजिबल इमूवेबल प्रॉपर्टी। टेंजिबल प्रॉपर्टी ऐसे प्रॉपर्टीज होते हैं विच कैन बी सीन टच एंड विच कैन बी फेल्ट, राइट। और टेंजिबल प्रॉपर्टीज के डेफिनेट सर्टेन वैल्यूज होते हैं, लेकिन जब हम इनटेंजिबल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं तो इनका कोई फिजिकल अपीयरेंस नहीं होता है, जैसे ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट एक्सेट्रा, ठीक है। अब देखो इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या है, इसे भी हमने समझ लिया है विथ नोट्स, एग्जाम्पल, केस लॉज। अगर आपको वीडियो देखना है तो आई बटन पे जाके आप देख सकते हो। अब देखो कह रहा है अगर प्रॉपर्टी क्या है, इनटेंजिबल इमूवेबल प्रॉपर्टी है, तो यहां पे अगर हम सेल कर रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन इज कंपल्सरी। रजिस्ट्रेशन क्या है, रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी है। इनटेंजिबल इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में रजिस्ट्रेशन क्या है, कंपल्सरी है। अब अगर टेंजिबल इमूवेबल प्रॉपर्टी है और इसका वैल्यू क्या है, लेस देन 100 रुपीज, अगर 100 रुपए से कम की वैल्यू है तो गुड्स जो है यानी जो प्रॉपर्टी है वो सिंपली डिलीवर्ड कर दिया जाएगा बाय ट्रांसफरिंग दी पोजीशन, ठीक है। दूसरा कह रहा है इफ वैल्यू मोर देन 100 रुपीज, तो यहां पे हमें सेल डीड का रजिस्ट्रेशन कराना होगा, यानी यहां पे रजिस्ट्रेशन ऑफ सेल डीड इज मस्ट। यानी इफ द वैल्यू ऑफ टेंजिबल इमूवेबल प्रॉपर्टी इज मोर देन 100 रुपीज, रजिस्ट्रेशन ऑफ सेल डीड इज मस्ट, एंड इफ इट इज लेस देन 100 रुपीज ऑफ वैल्यू, रजिस्ट्रेशन इज नॉट कंपल्सरी। इट डिपेंड्स अपॉन द पार्टीज, अगर वो फिर भी रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो दे कैन, वो करा सकते हैं। अब देखो अब हम बात करेंगे कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल। कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल देखो कह रहे, देखो अगर दो पार्टीज हैं और उन दोनों पार्टीज के बीच सेल को लेकर के कोई अग्रीमेंट है, कोई कॉन्ट्रैक्ट है, तो जिस भी टर्म्स पे दोनों पार्टीज यानी बायर्स और सेलर एग्री किए हुए हैं उसी टर्म पे सेल होगा। लेकिन आगे कह रहा है कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल, यहां आप लिखोगे सेल ऑफ सच प्रॉपर्टी
सेल ऑफ सच इमूवेबल प्रॉपर्टी मस्ट बी डन ऑन द टर्म्स स्पेसिफाइड इन अग्रीमेंट बाय द पार्टीज। ठीक है, तो जिस भी टर्म्स पे, जिस भी टर्म्स एंड कंडीशंस पे दोनों पार्टीज ने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते समय अपना सहमति दिया था, उसी टर्म पे सेल होगा। लेकिन आगे कहता है, there will be no creation of any further interest or charge on such property, there will be no creation of any interest or charge on such property by seller, क्योंकि यहां पे absolute ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट हो रहा है। तो एक बार आपने प्रॉपर्टी सेल के थ्रू ट्रांसफर कर दिया, पोजीशन आपके हाथ से चला गया, ओनरशिप चला गया, तो आप उस प्रॉपर्टी पे फर्दर कोई इंटरेस्ट क्रिएट नहीं करोगे, ना कोई चार्ज क्रिएट करोगे, बिकॉज यू हैव ट्रांसफर्ड योर एब्सोल्यूट राइट ऑन दैट प्रॉपर्टी टू बायर। ठीक है, क्लियर। आप देखो एक केस है, उसे हम यहां पे लिख लेते हैं, विच इज अ लैंडमार्क केस, और फिर इस टॉपिक को खत्म करते हैं। अगर एग्जाम में सेल आता है तो आप इन्हीं पॉइंट्स को वहां पे डिस्कस कर दोगे। केस है आपका विश्वनाथ साहू वर्सेस त्रिवेणी मोहन। विश्वनाथ साहू वर्सेस त्रिवेणी मोहन, दो हजार तीन। देखो कह रहा है, सेलर कैन सेल इमूवेबल प्रॉपर्टी ओनली व्हेन ही पॉसेस राइट टू डिस्पोज ऑफ, मीनिंग मस्ट बी द ओनर ऑफ सच प्रॉपर्टी। यहां कहता है सेल में क्या होता है, जो सेलर है वो प्रॉपर्टी को सेल के थ्रू तभी ट्रांसफर करेगा जब वो उस प्रॉपर्टी का ओनर हो, यानी ही मस्ट पॉसेस राइट टू डिस्पोज ऑफ और राइट टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी, या कोई अदर पर्सन जो कि ऑथराइज्ड है टू डिस्पोज ऑफ द प्रॉपर्टी टू एनी पर्सन थ्रू सेल, वो भी प्रॉपर्टी को सेल के माध्यम से ट्रांसफर कर सकता है। यानी पर्सन हैविंग बेटर टाइटल, दैट पर्टिकुलर पर्सन कैन ट्रांसफर द प्रॉपर्टी थ्रू सेल ओनली। ठीक है, तो इस केस में यही कहा गया, पर्सन having ownership over immovable property or या any person, कोई भी person authorized to transfer can only transfer it, वही property को transfer कर सकता है। ठीक है, ओके। तो ये था सेक्शन 54, जिसे हमने एकदम सिंप्लीफाइड मैनर में विद केस लॉज एग्जांपल्स समझा। तो आई होप इस छोटे से वीडियो में आपको सेल क्या है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो वीडियो अगर इंफॉर्मेटिव लगती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट जरूर दें।